हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइट। तो लाइट क्या है और लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? तो आपको पता ही होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखना हो अगर हमें, तो वो कैसे दिखेगा? लाइट की मदद से। अगर लाइट ना हो तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल, ये चौक आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ये? क्योंकि इस पर बल्ब से रोशनी पड़ती है। रोशनी पड़ने के बाद ये चौक क्या कर रहा है? जो भी लाइट इस पर पड़ रही है उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट करके वो मेरी आंख में पड़ रही है, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं अंधेरा कर दूं, पूरा डार्क, तो सोचिए क्या ये चौक मुझे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? सीधी सी बात है यार, अगर अंधेरा है, कोई लाइट है ही नहीं, तो कोई लाइट अगर है ही नहीं तो इस पे कोई लाइट पड़ेगी नहीं, और लाइट पड़ेगी नहीं तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज लाइट, दूसरा कि वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करे। अब ये इसी कलर का क्यों दिखाई देता है मुझे, ये भी आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इस पर व्हाइट लाइट पड़ रही है, व्हाइट लाइट में सारे कलर्स हैं, तो इसने क्या किया, सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए सिवाय ऑरेंज के, जो कि इसका कलर है। उस कलर को इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, तो उस कलर को एब्जॉर्ब ना करके वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये मुझे दिखता है। चलिए, अब तो बात हो गई लाइट की। अब लाइट को लेकर बहुत कंफ्यूजन थी पहले। क्यों कंफ्यूजन थी? आपको क्या लगता है, लाइट एक रे की तरह स्ट्रेट लाइन में चलती है इस तरीके से, या लाइट एक वेव की तरह चलती है इस तरीके से? ऑब्वियस है, आप सबका आंसर ये होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है। आपने बचपन में ड्राइंग्स बनाई होंगी, तो बचपन में आप ड्राइंग्स जब बनाते थे तो सन ड्रॉ करते थे, तो सन से जो निकलने वाली लाइट थी उसको आप इस तरह से दिखाते थे, रे की फॉर्म में। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लाइट जो है रे की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और वो वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि लाइट जो है वेव की तरह किस हिसाब से बिहेव करती है। अभी तक 10th क्लास के लेवल तक आप ये मान के चलेंगे कि लाइट जो है रे, वेव नहीं है, वो क्या है, रे है। वेव वाला नेचर लाइट का हम नहीं देखेंगे। वैसे लाइट के दोनों नेचर होते हैं, वो रे भी है और वेव भी है, या कह सकते हैं इसको हम, ये पार्टिकल की तरह भी चलती है और वेव की तरह भी चलती है। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने कई बार देखा होगा आपके रूम में जब दरवाजा खुला होता है, ये आपके घर की दीवार, ये रहा दरवाजा, ये है डोर। तो जब आप डोर खोलते हैं, डोर खोलने के बाद क्या आप ऐसे देखते हैं कि जिस तरफ दरवाजा है सिर्फ उतनी तरफ से रोशनी आ रही है? ऐसा नहीं है। आप क्या देखते हैं कि पूरे रूम में ही रोशनी हो जाती है, पूरा का पूरा रूम जो है प्रकाशमय हो जाता है, लाइट नहीं आ जाती है उसमें, प्रकाश हो जाता है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर लाइट एक रे की तरह चलती तो सिर्फ जितना पोर्शन दरवाजे का है सिर्फ उतनी दूरी लाइट जाती, बाकी रूम में रोशनी नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं होता, लाइट वेव की फॉर्म में भी
ट्रेवल करती है, लाइट का नेचर जो है वो वेव की तरह भी है, तभी तो वो जो लाइट एंटर करी है, एंटर करने के बाद वो वेव की तरह हर तरफ फैल जाती है। अगर वो सीधी जाती तो सिर्फ दरवाजे के हिस्से तक ही रोशनी होती, बाकी हिस्से में रोशनी नहीं होती। आई होप कुछ आइडिया आपको मिल रहा होगा, लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि लाइट रे या पार्टिकल और दूसरा वेव दोनों फॉर्म में होती है। इसका डुअल नेचर होता है, डुअल सिम समझते हैं ना, मोबाइल में आता है डुअल सिम, तो डुअल का मतलब, सिम का मतलब क्या हुआ कि दो सिम लगती है, ऐसे ही लाइट का भी डुअल करेक्टर है, रे भी और वेव भी। तो एक हमारे पास सिंपल सा टर्म है डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन क्या होता है, डाइफ्रैक्शन क्या है, देखिए ये क्या किया मैंने, यहां से लाइट पास की, तो जब आप यहां से लाइट पास करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि लाइट जो है छोटे कॉर्नर से यहां पे एंटर करती है, लेकिन सिर्फ वो इतने से नहीं जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी, फैल जाएगी। तो जो लाइट आ रही थी उसको हमने क्या देखा कि वो कॉर्नर को देखते ही, कॉर्नर को जैसे ही फील हुआ उसको, तो वो बेंड हो गई, इसी को बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। तो डाइफ्रैक्शन क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा उसके अराउंड भी लाइट बेंड हो जाएगी, क्योंकि लाइट वेव नेचर भी है। तो डाइफ्रैक्शन क्या शो करता है, डाइफ्रैक्शन ही रहा कि जहां पर आपको बहुत छोटे कॉर्नर्स दिखाई देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जो लाइट आ रही है वो सिर्फ इतने हिस्से में नहीं जाएगी, वो कॉर्नर्स पे बेंड कर जाएगी। क्यों, क्योंकि लाइट वेव भी है, इसलिए ऐसा वो शो करती है। तो डाइफ्रैक्शन इसी को कहते हैं। तो साथ साथ मैं टर्म्स की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा आपको, जो नोट्स बनाने हैं वो भी साथ साथ प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा आपको मैं पूरी एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा, कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। अगर आप सारे लेक्चर्स अच्छे से समझते हैं तो कहीं से भी आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए डाइफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोसेस या फिनोमिना भी कह सकते हैं, यहां हम इंग्लिश में इतना ध्यान नहीं देंगे, ड्यू टू विच लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर और स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो कोई छोटा ऑब्जेक्ट होगा या यहां पे आपको कॉर्नर दिखाई देगा, वहां पे लाइट बेंड होगी। अगर इस होल को बड़ा कर देंगे तब इतना डाइफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया डाइफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात